दोस्तों स्टार प्लस का मशहूर धारावाहिक प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में लीड रोल निभाने वाली पंखुड़ी तो आपको याद ही होंगी, जो कि एक छोटे से गांव में रहती थी और पति पत्नी के रिश्ते पर बहुत ही विश्वास करती थी। शो में पंखुड़ी की शादी आदित्य से हो जाती है। हालांकि शुरुआत में दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्त का होता है, लेकिन बाद में उन दोनों को पता नहीं चलता कि वे एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इस शो में पंखुड़ी को लोगों का बहुत प्यार मिला था और यही वजह है कि ये शो 2012 से 2014 तक जारी रहा है। बता दें पंखुड़ी का रियल नाम दिशा परमार है, जो अब पहले से भी ज्यादा हॉट और खूबसूरत हो गई हैं। दिशा परमार दिखने में काफी खूबसूरत है और यही वजह है कि आज पूरे भारत में इनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। इनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। दिशा परमार का जन्म 11 नवंबर 1994 को हुआ था और अब ये 26 साल की हो चुकी हैं। दिशा परमार ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में स्टार प्लस के मशहूर धारावाहिक प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा से की थी। हालांकि इस धारावाहिक के लिए उन्हें 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार 4th बार उनका सिलेक्शन हो गया था। इस शो के बाद वे जी टीवी का मशहूर शो वो अपना सा में मुख्य किरदार में नजर आई, लेकिन आज भी लोग इन्हें पंखुड़ी के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों आपको जानकर दुख होगा कि जब पंखुड़ी 7 साल की थी तब इनकी माँ उनके पापा से किसी वजह से अलग हो गई थी। इसके बाद इनके पापा ने इनकी परवरिश की, लेकिन थोड़े समय बाद दिशा परमार के पापा भी इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पापा की मौत के बाद दिशा परमार काफी डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगाया और आज ये कामयाब अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं। तो दोस्तों आपको अभिनेत्री दिशा परमार कैसी लगती हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।